क्योंकि मैं अलग से डाल सकूं। ये देखिए मैंने यहाँ पे प्याज काटी थी, यहाँ पे छह जो मैंने आपको बताई थी, एक लहसुन प्याज के कली काटी थी। और यहाँ पे मैंने कटोरा रखी हूँ जो कि इसमें मैं मसाला डालूंगी। दिखाती हूँ मैं मसाला आपको क्या क्या डालती हूँ अंडा करी के लिए। अंडा करी के लिए यहाँ पे काली मिर्च जीरा पाउडर है 1 चम्मच, आधा चम्मच और रखती हूँ, 1 चम्मच तीखी वाली मिर्च रख रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ले रखी हूँ, आधा चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला ले रखी हूँ, यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा MDH मसाले डाल रही हूँ मैं। मैंने यहाँ पे तीखी ओ कलर वाली मिर्ची सॉरी डाल रखी है, यहाँ पे थोड़ी डालूंगी। ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ी कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, और ये देखिए मैं यहाँ पे तेजपत्ता डाल रही हूँ, मैंने तेजपत्ता भी डाल रही हूँ, मैंने मिर्च भी डाल रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने डाली हूँ 1 लौंग डाली हूँ, 1 बड़ी इलायची डाली हूँ, 2 लौंग डाली, छोटी इलायची डाली हूँ, 3 दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची है। ये देखिए मैं सारे को इसमें खलवाटा में इसको कूटूंगी और साथ मैं थोड़ी डालूंगी गोलमरी डाल रही हूँ, सिर्फ गोलमरी डालूंगी। ये देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कूटी हूँ दरदरा, मैंने ज्यादा बारीक नहीं करना है हमें। ये देखिए यहाँ पे काले मिर्च है जो मैंने साबुत गरम मसाला रखी थी उसी थी, उसको भी डाली हूँ, इसको लास्ट में डालूंगी क्योंकि इसकी बहुत खुशबू भी अच्छी आती है, इससे फ्लेवर और टेस्ट इससे ज्यादा आती है। ये देखिए थोड़ी मैं यहाँ पे प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी, इसी में से जो कटा प्याज था वही डाल रही हूँ मैं। देखिए दोस्तों मैंने एक टमाटर ले रखी है, इसके साथ में प्यूरी बनाऊंगी। थोड़ी मैंने हरी धनिया डाल रही हूँ इसके लिए, ये देखिए मैंने ये भी डाल रही हूँ, ये भी डाल दी। ये देखिए दोस्तों आज मैं बनाने वाली अंडा पकौड़े कढ़ी बनाने वाली हूँ, बहुत टेस्टी। ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में सरसों का तेल रख दी हूँ, तेल गर्म हो चुका है, मैं अंडे को तोड़ के इसी में डालूंगी क्योंकि इसको गोलाकार में बनाना, हमारे पकौड़े टाइप पे बनाना है इसको। अंडे मैंने तोड़ दी, इसमें कुछ नहीं डालना है, सिंपल सा नमक डालना है, ये देखिए। और देखिए कितना अच्छा बनकर यहाँ पे रेडी हो चुका है, मैं इसको पलट देती हूँ चम्मच की सहायता से, ऐसे करके हमें सारे अंडे को ऐसे फ्राई करना है। ये देखिए उबाला हुआ अंडा कढ़ी नहीं बना रही हूँ मैं, पकौड़े के शेप में बना रही हूँ इसको, पकौड़े अंडा कढ़ी आप बोल सकते हो, और बहुत टेस्टी है और झटपट बनने वाली है। देखिए रेसिपी आपको ज़्यादा लेट भी नहीं लगेगी क्योंकि हम लोग के पास समय का बहुत कमी रहता है। ये देखिए मैं यहाँ पे तेल रख दी हूँ, तेजपत्ता रख दी, लाल मिर्च रख दी, यहाँ पे मैंने लहसुन धनिया मैंने कूट के डाल दी वो भी रख दी हूँ, यहाँ पे मैंने प्याज रख रही हूँ, यहाँ पे देखिए मैं प्याज भी इसी में ऐड कर देती हूँ, साथ में ही ऐड करती हूँ। ये देखिए प्याज के मैं फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पे काली मिर्च जीरा साबुत और गरम मसाला मैं सारे को खलवाटा में दरदरा मैंने कूट दी थी। ये देखिए यहाँ पे लहसुन भी मैं दरदरा कूट कर डाल दी थी, इसी में थोड़ी कड़ी पत्ता भी डाली हूँ, और सारे को मिक्स करके हमें फ्राई करना है यहाँ पे 10 मिनट तक, अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है जब तक हमारा प्याज ना गल जाए। यहाँ पे मैंने डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और धनिया का पेस्ट आते ही डाल देती हूँ इसी में, ये देखिए इसको भी मैंने अच्छी तरह से डाल दी हूँ, और नमक डाल देती हूँ टेस्ट के अनुसार से, क्योंकि प्याज और नमक साथ में हमें पकाना है। यहाँ पे काली मिर्च जीरा पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला MDH अंडा कढ़ी है और हल्दी पाउडर है दोस्तों, मैं सारा मसाला को एक बोल में डाल के निकाली थी मैंने पहले से ही, इसको भी साथ में डाल दी, इसको भी अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है हल्की हल्की पानी देकर। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में कलर, ये देखिए अच्छी तरह से हमें चलाना है, देखिए कितना बेहतरीन कितना लजीज यहाँ पे दिख रहा है, कितना स्पाइसी दिख रहा है,
देखने में ही कितना टेस्ट लग रहा है। देखिए मैं चला रही हूँ पानी डालकर अच्छी तरह से। यहाँ से मेरे को 10 मिनट तक ऐसे ही चलाना है, छोड़ना नहीं है, इसको चला कर रखना है क्योंकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। मसाला जब हमारा पक चुका है, अब मैं ग्रेवी के अनुसार थोड़ी पानी डालूंगी, पानी ज़्यादा नहीं डालूंगी। ये देखिए यहाँ थोड़ी उबाल आने लगेगा तो मैं सारे अंडे को मैं एक एक करके बारीकी से मैं डाल रही हूँ। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है आपको। ये देखिए मिक्स कर रही हूँ, आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना स्पाइसी लग रहा है दोस्तों, कितना बेहतरीन कलर आया है, देख के ही मुँह में से पानी आ रहा है। ये देखिए रुका नहीं जा रहा, मैं तो जा रही हूँ खाने। और आप भी बताओ कि अंडा पकौड़ा कढ़ी आपको कैसे लगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो के देखने के लिए। थैंक यू।